रिजर्व पुलिस लाइन स्थित सभागार कक्ष में रविवार को एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा की अध्यक्षता में बांसगांव सर्किल क्षेत्र के शेरनी दस्ते का चल रहा 3 दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के तीसरे और समापन के दिन एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा द्वारा शेरनी दस्ते को कानून के A to Z तक की कार्यप्रणाली और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित किया गया, जिससे शेरनी दस्ता समाज में बेहतर समन्वय स्थापित कर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने और अराजक तत्वों पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए अपनी भूमिका निभा सके। इस दौरान फैमिली कोर्ट गोरखपुर की काउंसलर संगीता प्रकाश त्रिपाठी ने भी शेरनी दस्ते को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने शेरनी दस्ते को अपने एक अलग पहचान बनाकर महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे बढ़ते अपराध पर अंकुश लगाने के गुण सिखाए और अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए प्रेरित किया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, और वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता था कहीं कुछ जीविका का साधन नहीं मिलेगा तो हम गोरखनाथ तो मेरी हत्या हो जाएगी। वो 15 साल पुराना प्रकरण है, इसलिए याद रहता है। 10 साल बाद कहाँ कोई जाता है मुकदमा लड़ने, बच्चे बड़े हो जाते हैं, परिस्थितियाँ अलग हो जाती हैं, जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। जाए कि लोग बड़े बुआर से कहते हैं, अरे मेरी छोटी बहू तो टोरंटो में है, मेरा बड़ा बेटा तो शिकागो में है, जाओ तो दूसरा व्यक्ति सबके निकलेगा। तालमेल और सूझबूझ से ही इस क्षेत्र में उतर के आपको जाना होगा। बहुत सी ऐसी महिलाएं मिलेंगी जिनको देख करके, बहुत से अच्छे बच्चे होंगे जिन्हें देख करके आप अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस होंगे कि जरूर ये कहीं ना कहीं परेशान है, लेकिन आप जब पूछेंगे माता जी, चाची, आंटी, दीदी, आप ठीक हैं? हाँ हम ठीक हैं बेटा, हमें कोई दिक्कत नहीं। शांत दिमाग से, धैर्य से उनकी बातों को समझना होगा और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ाना है कि वो अपनी बात को अपना सबसे हित ऐसी समझ करके आपसे कह सके। आपको एक परामर्शदाता की भी भूमिका निभानी है। आप उनको एक परामर्श देंगे कि इस जो संतरास भरी जिंदगी है उससे आप बाहर निकल करके आइए और हम आपकी सेवा में तत्पर हैं, जो भी बन पटेगा आपके लिए करेंगे। पहली एक योग्यता होनी चाहिए गुड लिसनर। अगर आप अच्छे श्रोता नहीं हैं तो कोई भी आपको अपनी समस्या नहीं बताएगा, लेकिन हमें यह आभास हो रहा है कि आज जो भी संख्या भले कम है लेकिन श्रोता ये बहुत अच्छे हैं, सबके सब ध्यान लगा के सुन रहे हैं। हम बायस्ड नहीं, ऐसा नहीं है कि बस बहुत सर्किल है इसलिए मेरे इमोशंस बहुत जागृत हो रहे हैं, वाकई में। तो अच्छे श्रोता होंगे तो कुछ गुण अपने आप ही आपके अंदर समाहित होंगे। माँ है लेकिन हमेशा क्या बोलते हैं उनको अपने घर देखते चिंता रहती है, पिताजी बाहर तो देखते हैं। उसी में अगर कोई भाई है, कोई बहन क्या बोलते हैं, खासतौर से कोई भाई अगर आलस आलसी टाइप का है तो सक्रियता देखिए का अच्छा गुण होता है ना। बी से ब्रेव होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया ए से एक्टिव है। एक्टिव बोलता क्या है? पैसिव। सक्रिय उसका उल्टा निष्क्रिय। निष्क्रिय कब तक बने रहोगे? निष्क्रियता मतलब एक मरने के बराबर। अगर हम निष्क्रिय हैं भाई ठीक है, रात में 5-6 घंटा 5 घंटा 7 घंटा सोना जरूरी है, लेकिन हम अब अगर मान लो 5-6 दिन क्या जाने क्यों मुझे ये समझ नहीं आता। जैसे कहानियां हैं भाई ठीक है, कहानियां जैसे ये के बारे में कहा जाता है, कुंभकर्ण के बारे में कि 6-6 महीने सोते थे, लेकिन अपने आप ही विचार आया अगर 6 महीने सोएंगे उनको ये बेड शोर क्यों नहीं हुआ? बेड शोर समझते हैं? अगर कोई 6 महीना सोएगा अपने आप ही भाव बन जाएगा, पूरा शरीर जो समझे अगर करवट लेते भी रहेंगे तो भी अगर उतनी रहें तो भाव बन जाएगा। ब्रेव का ब्रेव माना सांसी होना जरूरी है, उसका उल्टा क्या होता है?
कावड़ में कायर, तो भाई या तो ब्रेक बनिए या कावड़ बनिए। अब विकल्प विकल्प आपके सामने है, ब्रेक कहलाना पसंद करेंगे या कावड़ कहलाना पसंद करेंगे। खासतौर से जो आर्मी वगैरह में होते हैं, जो अपना अगर जो रणभूमि में है अगर वहाँ से भागते हैं, क्या ठप्पर लगता है उनके उनके नाम से, उनको किस नाम से बुलाते हैं, भगौड़ा, भगौड़ा। सब चलिए मुझे याद आ गया, आप लोग बताया भी गया होगा एक किन परिस्थितियों में आप लोग किसी को बिना जमानत के गिरफ्तार कर सकते हैं, बिना वारंट के, वारंट लिए बिना ही आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। उसमें देखिए भगौड़े के लिए भी एक सिपसोल्डर करके है, 41 सीआरपीसी में है सिपसोल्डर, उसमें है। अगर मुझे यकीन है कि सेना का भगौड़ा आर्मी है तो उसके लिए वारंट जरूरत नहीं पड़ती है। एक सी से है कॉग्निजन, अगर मुझे जानकारी है कि इस व्यक्ति ने कॉग्निजन संज्ञेय अपराध किया, संज्ञेय अपराध भी हत्या किया हो, बलात्कार किया हो, जो जिसमें बड़ा अपराध है, अगर मुझे यकीन है तो बिना ये बिना वारंट के गिरफ्तारी हम लोग कर सकते हैं। अगर कोई समस्या कोई मामला सामने आया है उसको रद्द करके एक दिन दो दिन तीन दिन जो भी लगे ये आज पुलिस लाइन में विगत 20 जुलाई से जनपद गोरखपुर में श्रेणी दस्ता का गठन हुआ है, तो 20 जुलाई से ट्रेनिंग भी चल रही है, प्रशिक्षण चल रहा है। तो आज ये बासगांव सर्किल का प्रशिक्षण सत्र का आज तीसरा दिन है इनका, तो 6 सर्किल पहले तीन तीन दिन का ये प्रशिक्षण पूरा हो गया है, तो आज बासगांव सर्किल भी पूरा हो जा रहा है, लास्ट में एक गोला सर्किल बच रहे हैं जो जिसका प्रशिक्षण कल से 10, 11, 12 तीन दिन प्रशिक्षण चलेगा। तो प्रशिक्षण सत्र आज श्रेणी दस्ता का महिला एनजीओ से बातचीत एवं उनके साथ चर्चा वाली ये सत्र था, किस तरह से एक महिला एनजीओ हमारी श्रेणी दस्ता के काम आ सकते हैं, आपस में कैसे सब सामंजस्य बनाना है, इनसे क्या सहयोग मिल सकता है। तो बहुत ढेर सारे विषयों पर हमारी श्रेणी दस्ता को कैसा होना चाहिए, इनके अंदर क्या गुण होना चाहिए, चूँकि अभी ये हमारे विभाग में नए आए हैं, इनको छोटी छोटी बहुत बारीक बातों में भी इनका हौसला अफजाई, इनको इनके अंदर हिम्मत का संचार, और अभी अभी मैंने कुछ कोरोना के संबंध में भी किस तरह से वाइब्रेशन लेवल अच्छा खासा बना कर रखना है, उनको मैंने ये भी बताया A to Z होना चाहिए, ए से एक्टिव, जैसे बी से ब्रेव, सी से कमिटेड, डी से डिसिप्लिन, अनुशासित होना, इसी तरह से लास्ट में जेड तक मैंने इनको बताया कि सबको उत्साही होना जरूरी है, सब अपना एक उत्साह का एक जो स्तर है उसको बनाए रखें, उत्साह का स्तर कभी जीरो लेवल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जीरो लेवल पर आने का मतलब एक ये संकट का समय, ये अपने लिए एक संकट बुला लेते हैं, अपने लिए भी, परिवार के लिए भी, विभाग के लिए भी। तो यही सब इनको जो अहम जानकारी इनको दी गई कि जब ये अपने क्षेत्र में रहेंगे, अपना गश्त में रहेंगे, बहुत ढेर सारे महिलाएं खास तौर से सहायता के लिए इनकी सहायता महसूस करेंगे, फिर लेकिन इनके अंदर ये गुण आ जाए कि इनको खुद ये लगे कि किसको इनकी सहायता है, अगर ये इतनी पारखी हो जाएं तब जा कर के कहीं श्रेणी दस्ता का जो गठन किया गया है उसकी सार्थकता ये सामने सिद्ध हो पाएगी।